बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चेयरमैन साहब, आपने बड़ी खुशखबरी दे दी पिशावर के आवाम के लिए, और इंशाल्लाह हमारी पूरी भरपूर सपोर्ट आपके साथ होगी पिशावर के लिए। और आज मैं पूरी कौम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पीएसएल को कामयाब इंशाल्लाह कामयाबी के लिए आप सारे जो हैं दो दो रकात नवाफिल भी अदा करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इससे पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट इंडस्ट्री में हमें एक भरपूर जो चैलेंजेस थे पिछले 5-6 सालों में, नॉट ओनली 5-6 सालों में, पिछले 10-12 सालों में, इंशाल्लाह उससे काफी राहें हमवार होंगी। और मीडिया के तवसुत से जितने भी आप लोग पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर सकते हैं इस पीएसएल का बारे में, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर के लोग थे जिन्होंने जितना हमें सपोर्ट किया इन पूरे पीएसएल में पिछले 5-6 सालों में, आप सबका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और उस मैसेज को भी जरूर पोर्ट्रे करें कि जिन लोगों का एक अहम किरदार था उसके अंदर। और लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि डैरेन समी के लिए हमने ऑनरी सिटीजनशिप की रिक्वेस्ट की थी और वो ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के टेबल पे हैं, तो आज इंशाल्लाह उसको भी अनकरीब आप अगर और परस्यू करेंगे और एक फोन कॉल करेंगे तो वो भी मंजूर हो जाएगी। बिकॉज उस बंदे की खासियत ये है कि आई डू रिमेम्बर जब हम पाकिस्तान सुपर लीग के लिए फाइनल के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे थे, तो चेयरमैन साहब उस बंदे की जो वॉइस नोट्स हैं वो इंशाल्लाह कभी ना कभी टाइम पे मैं आप लोगों को जरूर सुनवाऊंगा। दैट वॉज टू इमोशनल फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं और जावेद अफरीद यही बात कर रहे थे कि दुबई में क्या, दुबई में और पाकिस्तान में फर्क क्या है। अभी ही से जोश दिख रहा है माशाल्लाह, पूरा हॉल मीडिया से भरा हुआ है। दुबई में शायद एक आधी लाइन होती थी मीडिया की, इससे अंदाजा होता है कि हम कितने इस वक्त अवेट कर रहे हैं इस पीएसएल को पाकिस्तान में लाने के लिए, होने के लिए। हम बहुत खुशगवार हैं। थैंक यू सो मच मानी साहब, द होल ऑफ पीसीबी, ऑफ कोर्स हम लोग की जो 5 इनिशियल फ्रेंचाइजीज एंड देन मुल्तान सुल्तान, कि जो 5 साल से इस पीएसएल के पीछे स्ट्रांगली खड़े हुए, एंड आप लोग की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। हमने शुरू में बड़े मुश्किल वक्त देखे, इसी वक्त के लिए इंतजार था कि ये सारे मैचेस पाकिस्तान में हो। जब पहला मैच पाकिस्तान में हुआ तो थोड़ी सी उम्मीद हुई, जब लास्ट ईयर 8 मैच पाकिस्तान में हुए तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, मगर अब ये 34 के 34 मैच सब के सब का पाकिस्तान में हो, कि वो भी 4 स्टेडियम में, आई थिंक इट विल बी एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। बिकॉज हमने कराची ने फर्स्ट टाइम कोटा के खिलाफ कराची में होम ग्राउंड में खेला लास्ट ईयर, और उस वक्त क्राउड का जोश और क्राउड की स्ट्रेंथ देख के ये अंदाजा हुआ कि जो आईपीएल की बातें करते हैं और जो अपने होम ग्राउंड की मैचेस की बातें करते हैं तो वो फीलिंग क्या होती है अपने होम ग्राउंड में खेलने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू अगेन, स्पेशली द मीडिया, कि आप लोग का पॉजिटिव सपोर्ट और पॉजिटिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीएसएल की कामयाबी के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, मानी साहब, वसीम साहब, मेरे तमाम फ्रेंचाइज दोस्त और हबीब बैंक से नवीद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मानी साहब का और वसीम साहब का और उनकी पूरी टीम की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह इन्होंने ऑल बिसाइड्स पीएसएल और जिस तरह इनके एंडेवर्स थे टू ब्रिंग क्रिकेट बैक इनटू पाकिस्तान, तो बहुत मेहनत की इन्होंने, एंड आई थिंक उनको उसकी शाबाश भी मिलनी चाहिए। तो रिगार्डिंग द पीएसएल, आई थिंक वी हैड अ ग्रेट जर्नी ऑल ऑफ अस, बड़े मुश्किल वक्त से भी गुजरे हम लोग, बट माशाल्लाह आज यहां पहुंच गए हैं और वी आर गोइंग टू प्ले वी हैव द होल पीएसएल इन पाकिस्तान। बहुत बड़ी फीलिंग है, अल्लाह ताला से बस दुआ है, जैसे अभी जावेद भाई ने भी कहा कि आप दुआ करें कि विदाउट एनी यू नो देयर इज नथिंग गोज रॉन्ग एंड इट ऑल गोज वेल, बस ये एक दुआ है। और जैसा अभी मानी साहब ने अनाउंस किया फॉर पिशावर, आई एम श्योर सर के क्वेटा वाले भी यू नो दे आर लुकिंग टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग 1 मैच ओवर देयर ऑल्सो। आई मीन वी हैव आवर ओन ग्राउंड इन क्वेटा, सो उधर भी क्रिकेट जी, हाँ बुक्टी स्टेडियम ऑफकोर्स, नहीं नहीं वो बट तो वो इंशाल्लाह आई एम श्योर वहां जरा टिंकरिंग की जरूरत है, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं, तो इट्स अ ग्रेट ग्राउंड, वहां बहुत आराम से मैचेस हो सकते हैं।
और बस हम यही चाहते हैं कि ये जिस तरह अभी हम लोग सारे फ्रेंचाइज मिलके इसको सपोर्ट किया है पूरे पीएसएल को, इसी तरह ये सपोर्ट होती रहे एंड वी मूव फॉरवर्ड इन द स्पिरिट ऑफ द गेम विच इज क्रिकेट. यू नो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट शुड रिमेन अलाइव. तो आप लोगों का मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इन प्रमोटिंग पीएसएल, सो प्लीज कीप इट अप और आप लोग भी दुआ कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच जी. Assalamu alaikum ji. On behalf of Islamabad United, I think thank yous ka chal raha hai. So I think sabse pehle again I should also thank PCB not only for what they have done for PSL but also what they have done for the revival of cricket in Pakistan. Jo especially in the last 12 months the way we have moved forward aur wo bada normal si cheez ab lagni shuru ho gayi hai with teams coming through and people coming to the stadium as well. Aur hum jab PSL start bhi kiya tha mission sabka yahi tha कि आप पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लेकर आएं और इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर आएं ताकि लोग इंस्पायर हों और आगे बच्चे काम कर सके नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन अदर फील्ड्स एज वेल. सो थैंक यू टू पीसीबी, थैंक यू आल्सो टू आई थिंक स्पॉन्सर्स मीडिया जो फ्रेंचाइजीज हैं और सारे फैंस जो हैं. वो एक हमारा मिशन था आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था सबका मिशन था एंड इट गेन्ड अ लॉट ऑफ मोमेंटम और आई थिंक एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड के जितनी ज्यादा ये सक्सेसफुल हुई है और जितनी जल्दी हुई है. सो उसका सबको बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं दो चीजें फ्यूचर के लिए एम्फेसाइज करना चाह रहा था. आई थिंक एक तो जो जहांगीर खान को यहां बुलाया, देखिए हमारी जो एक फोकस और इस्लामाबाद यूनाइटेड और आई थिंक सबका फोकस जो है कि हमने हीरोज क्रिएट करने हैं फॉर द कंट्री. अगर आपने कॉन्फिडेंस कंट्री में लेकर आना है, आगे लेके जाना है, यू नीड हीरोज. और हमारे पिछले 15-20 साल में वो हीरोज कम हो गए थे. तो एक तो जहांगीर खान को वापस लाके, वो इज अ सिंबल ऑफ एक्सीलेंस. आप किसी चीज में भी हों तो उससे ज्यादा एक्सीलेंस हमने पिछले 20-30 साल में किसी प्लेयर की नहीं देखी. तो टू रिकॉग्नाइज हिम, रिस्पेक्ट आर पास्ट हीरोज इज अ बिग फैक्टर इन ट्राइंग टू इंस्पायर द फ्यूचर हीरोज. सो एक तो वो हमने किया, प्लस अगर हम क्रिकेट यहां लेकर आ रहे हैं तो आई थिंक वो जब सबके सामने खेलेंगे टू इंस्पायर यंग पीपल एंड क्रिएट न्यू हीरोज इज समथिंग विच आई थिंक ऑल ऑफ द होल पॉपुलेशन शुड गेट इंस्पायर्ड बाय. तो वो सारा हीरो की क्रिएशन जो है वो आई थिंक पास्ट एंड फ्यूचर बोथ we have tackled with one event, which is again the credit goes to I think PCB for that idea itself. I think the second thing, if and I'm just requesting on behalf of Islamabad United and everyone else as well, I think ab ye 34 matches lekar aa rahe hain, ye kabhi Pakistan mein hua nahi hai. Aur jo chairman sahab keh rahe the ki bahut bada logistical nightmare hoga ye sara kuch karna, arrange karna, aur PCB mission ke sath wo sara kar rahi hai. So the only thing we'll request is ke jab thodi si upar niche cheez aaye, aap criticize zarur kare, लेकिन स्टे पॉजिटिव ऑन द थिंग्स एज अ नेशनल मिशन कि हमने 34 मैच प्रॉपरली सक्सेसफुल कराने हैं और हम सब उसमें एक हैं. जो भी जिसके डिफरेंसेस हो नहीं हो, बट द कप तो एक ही को मिलेगा ऑब्वियसली. और सबको पता है किसको मिलेगा, कराची लाहौर का है. ये अभी तक तो एक ही देखा. सो बट आई थिंक द होल थिंग इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट एज अ नेशन वी कम आउट एज विनर्स एंड डू इट सक्सेसफुली. थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum everyone. Thank you chairman sahab, Ehsan Mani and Waseem Khan. In logon ki kaavishon ke bagair ye league Pakistan mein nahi ho sakti thi aur it's a dream coming true for Qalandars ke hum pehli dafa apne shehar mein khel rahe hain. Hamare khiladiyon ne koi kasar nahi chhodi thi ki hum na khele, lekin ye league wapas le aaye to uski wajah se mera khayal hai ki ye ek bahut bada step hai. Aur jis tarah aap sab log jante hain ki jab league Pakistan mein nahi thi to 2016 se Qalandars ne usko Pakistan mein live rakha hua tha. Hum shehar shehar jate the, Sindh nahi aa sake Salman bhai ke khauf se, ya Quetta nahi ja sake, baki humne har shehar mein ja ke bachchon ko trial kiya, apne gair आबाद मैदान जो थे उनको आबाद किया. और मकसद उसका सिर्फ यही था कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाए. और मैं समझता हूं कि वानी साहब की लीडरशिप के अंदर ये चीज कामयाब हुई और हम पूरे पाकिस्तान का एक खूबसूरत फेस जो है वो पूरी दुनिया को इंशाल्लाह दिखाने जा रहे हैं. और इस सारी काविश के पीछे मेरी जाती रिक्वेस्ट ये है कि हम सारे ओनर्स जो हैं वो खड़े होकर वानी साहब का शुक्रिया अदा करें. सर थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम जी. मैं बात शुरू करूंगा जी सबसे पहले, जैसे अभी सब ने खड़े होकर मानी साहब का शुक्रिया अदा किया है, मैं सबसे पहले कहूंगा जी ये कोई छोटी बात नहीं है
اور ہمیں کرکٹ بورڈ کی اس میں جتنی ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں وی ہیو ٹو اپریشیٹ دس از سم تھنگ ایکسٹراڈنری جو پاکستان میں ہونے لگی ہے. ابھی مانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کیا یہ پاکستان کا یو نو ورلڈ کپس پاکستان میں ہوئے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے جو آج تک پاکستان میں ہو رہا ہے.